अभी इलेक्शन 2 महीने बचे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, अब अभी बोल रहे हैं कि हम करेंगे, अभी बोल रहे हैं। अभी आप आपके सामने मैंने सरपंच को बोला भाई आप 2 मिनट इधर आए और बात करें हमारे साथ, वो भाग गया यहाँ से। तो आप जहाँ जो अफजल सरपंच है, DDC है, BDC है, सब चोर हैं, जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, सब चोर हैं। मैं DC मैडम से गुजारिश करता हूँ कि इनको सस्पेंड किया जाए, इनको निकाला जाए। अभी इलेक्शन आने वाला है, ये वो इलेक्शन बाहर नहीं आने देती हम इनको, इनको चोरों को बाहर नहीं आने देंगे, इनको निकालो। इन्होंने कुछ काम नहीं किया, हमारा कोई स्कूल की डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ ग्राउंड नहीं बना, कुछ था। उस पे आप बोलेंगे कि क्या काम, बैक टू विलेज 4 था आज, लेकिन 3 जो बैक टू विलेज हुए उनमें से यहाँ पे कोई काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। जहाँ पे जो काम यहाँ पे यहाँ से लेकर अफसर ले जाते हैं, पता नहीं वो डालिए कहाँ छोड़ देते हैं, DC हाफिज पहुँचाते भी हैं या नहीं। यहाँ पे कोई 0 डेवलपमेंट है, कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ है। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मेरा नाम तालिब हुसैन है, डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील ठाकरा कोट से। इस वक्त हम गवर्नमेंट हाई स्कूल जिजबगली के अंदर खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, मगर ग्राउंड की हालत हमने जब देखी तो यहाँ पे बुरी हालत है, डेवलपमेंट के हिसाब से 0% पे है। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं मोहम्मद रफीक जी, ये बात करेंगे कि आखिरकार इस ग्राउंड में कितने पैसा लगा है और आगे कितना पैसा लगने जा रहा है, मगर अब तक ये ग्राउंड क्यों नहीं बना। और इस ग्राउंड की हालत अगर देखी जाए तो बच्चे किस तरह से स्काउट करते होंगे, किस तरह से प्रोग्राम करेंगे। 15 अगस्त को 2 दिन बच गए हैं। जनाब आपका इसी पंचायत के हैं? हाँ तालब से जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चौधरी मोहम्मद रफीक अवाना, यहाँ जी बी पंचायत का सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आपने ग्राउंड की हालत देखी है? ग्राउंड यहाँ हाई स्कूल बगल का जो ग्राउंड है सर, यहाँ एक बार 2012 में यहाँ पे 9 लाख रुपया यहाँ पे रखा था। RDT डिपार्टमेंट की तरफ से पैसा लगाया गया, मगर फिर भी अधूरा काम छोड़ा गया। बिल्कुल अधूरा काम है सर। यहाँ देखो 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, ग्राउंड की हालत देखो। मैं यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा कि ये ग्राउंड की आप हालत देखो, तो यहाँ पे बच्चों ने 15 अगस्त के बारे में यहाँ पे कैसे तैयारी करनी है। हमारे प्रधानमंत्री का आश्वासन है कि हर घर झंडा, हर स्कूल में झंडा, तो यहाँ पे झंडा कैसे लहराएंगे। यहाँ पे ग्राउंड की जो हालत है बिल्कुल खस्ता हालत है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। यहाँ का सरपंच भी है, यहाँ का DDC भी है, BDC भी है, उनके सब ये इस हालत को देखते नहीं क्या? बिल्कुल, यहाँ का जो DDC है या BDC है वो यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो आखिरकार पब्लिक ने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, आप ही, आपने क्या इंतजामिया तक ये बात पहुँचाई है? हमने कई बार तालब जी आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे DC रियासी से गुजारिश किया है कि हमारे हाई स्कूल बगल का जो ग्राउंड है ये बिल्कुल जीरो पे है। आज विजिट ऑफिसर बैक टू विलेज का आया था, उस पे आप बोलेंगे कि क्या बैक टू विलेज 4 था आज, लेकिन 3 जो बैक टू विलेज हुए उनमें से यहाँ पे कोई काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। जहाँ पे जो काम यहाँ पे यहाँ से लेकर अफसर ले जाते हैं, पता नहीं वो डालिए कहाँ छोड़ देते हैं, DC हाफिज पहुँचाते भी हैं या नहीं। यहाँ पे कोई 0 डेवलपमेंट है, कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ है। इसी के साथ हमारे साथ इसी पंचायत के एक्स नायब सरपंच कृष्ण सिंह जी हैं। जनाब आप इस ग्राउंड के बारे में क्या बोलोगे, 15 अगस्त आने वाली है, बच्चों को कितनी प्रॉब्लम आती है? देखिए आप खुद जानते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि ग्राउंड की क्या हालत है। मैंने इनको काफ़ी बार बोला, सरपंच को भी कहा, DDC साहब को भी कहा, कहते हैं आज करेंगे कल करेंगे। सरपंच के भी अभी इलेक्शन 2 महीने बचे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, अभी बोल रहे हैं कि हम करेंगे, अभी बोल रहे हैं। अभी आपके सामने मैंने सरपंच को बोला भाई आप 2 मिनट इधर आए और बात करें हमारे साथ, वो भाग गया यहाँ से। तो आप इंतजामिया से डिप्टी कमिश्नर रियासी मैडम देख रही है, LG प्रशासन देख रही है, तो आप उनसे क्या गुजारिश करेंगे? मैं मैडम से ये कहना चाहता हूँ, पहले नंबर ग्राउंड की, सबसे ज़्यादा ग्राउंड की हम बहुत जरूरी। यहाँ पे हाई स्कूल है, हाई स्कूल में कोई ग्राउंड नहीं है, तो इसमें ग्राउंड है ही नहीं। मैडम से ये रिक्वेस्ट है इसका ग्राउंड बनाया जाए। 7 लाख रुपया दिया हुआ है, हमने सुना 7 लाख रुपया है, इसकी कटाई के लिए इसकी कटाई की जाए 7 लाख में, जो बाकी भी पैसा कम पैसा हो तो आया, आज तक काम नहीं शुरू हुआ, काम नहीं शुरू हुआ। इसी के साथ हमारे साथ एक और हैं, आपका क्या नाम है इसी पंचायत के? क्या क्या डेवलपमेंट है यहाँ? डेवलपमेंट कुछ नहीं है सरपंच, पंच आपने बनाया। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ जो अफजल सरपंच है, DDC है, BDC है, सब चोर हैं, जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, सब चोर हैं। मैं DC मैडम से गुजारिश करता हूँ कि इनको सस्पेंड किया जाए, इनको निकाला जाए। अभी इलेक्शन आने वाला है, ये खुद सस्पेंड हो जाएंगे? ओ नहीं नहीं, क्या आप दोबारा इन्हीं को चुनेंगे? ओ नहीं नहीं, इनको हम बाहर नहीं आने देते, हम इनको, इनको चोरों को बाहर नहीं आने देंगे, इनको निकालो,
इन्होंने कुछ काम नहीं किया, हमारा कोई स्कूल की बेलमेंट नहीं हुई, कुछ ग्राउंड नहीं बना, कुछ नहीं बना। स्टाफ है यहाँ पे? कोई स्टाफ नहीं है। स्टाफ है, हेडमास्टर है, पोस्ट नहीं है, ऐसे इंचार्ज है, शहर से इंचार्ज है, पोस्ट होनी चाहिए, पोस्ट नहीं है, ये आने नहीं देते। आता है बंदा, आता है फूल सुर जोरी का आया, वो इनको इनको पैसा दे देता है, वो उधर से ट्रांसफर करवा देता है, मगर ये बंदे हमें नहीं चाहिए। इनको डीडीसी बीडीसी सरपंच जो अब्दुल है, इनको सस्पेंड किया जाए। डीसी मैडम से गुजारिश करता हूँ मैं, इनको सस्पेंड किया जाए। सरपंच और डीडीसी का काबिल नहीं है ये लोगों का बहुत बुरा हाल कर रहे हैं, ये चोर हैं, इनको सस्पेंड किया। अस्पताल में स्टाफ है? एक बंदा है। तो अब एम्बुलेंस भी नहीं है? कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक बंदा है। वो भी पॉपुलेशन कितनी है इसके बारे में? पॉपुलेशन इधर 7 पंचायत की है, 7 पंचायतों का सेंटर है यहाँ, 7 पंचायत का 20,000 दुनिया, मगर एक डॉक्टर है। सरपंच कहाँ रहता है? और सरपंच का पता ही नहीं, वो लंगड़ा है, पता नहीं कभी वो चगल वाला में रहता है, कभी थूब में रहता है, कभी कहाँ रहता है, उसको कोई पता नहीं। दोबारा इलेक्शन आएगा, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे तो हम अपने हिसाब से देंगे उनको, अपना सही फैसला करेंगे आते हैं, अपना हिसाब से करेंगे। हमारे साथ इस वक्त और भी हैं, आपका नाम क्या है? ये थे हमारे साथ इस वक्त यहाँ जिस बगली के हाई स्कूल के अंदर ये लोग मौजूद थे। इनका कहना है कि आखिरकार हमारे साथ पंच सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, ये भी हमारे साथ मजाक करते हैं। डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल 0% पे है, और आते दौरान जो है हम इलेक्शंस में इनको मुँह तोड़ जवाब दे देंगे। और आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़, मैं तालिब हुसैन जिस बगली से।